गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर से फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से? तो फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने से पहले जो पॉलिनोमियल्स दिया गया हुआ है उस पॉलिनोमियल्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है इसलिए p ऑफ x लिखेंगे। अगर वेरिएबल y रहता तो इसको p ऑफ y लिखते हैं। तो p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस टू। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसका कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? तो कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब हुआ ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल्स नहीं हो, तो ऐसा टर्म आपका 2 है। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उस कॉन्स्टेंट टर्म्स का मॉड कैलकुलेट करेंगे, तो मॉड c इक्वल्स टू मॉड 2। तो मॉड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड मिलता है, साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट टर्म का मॉडुलस निकालने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा उसका हम ऑल पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? प्लस 1 होगा और माइनस 1 होगा, प्लस 2 होगा और माइनस 2 होगा। That means plus 1, minus 1, plus 2 and minus 2 are factor of 2. अब इस 4 value जो आया, number जो आया आपका plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, इसमें से हम किसी एक value को इसमें substitute करेंगे और करके देखेंगे कि polynomial px का value जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 वी गेट, अब आपका रिजल्ट हो जाएगा p1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 इंजा 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2। अब 1 और 2 को प्लस करेंगे जब तो 3 आएगा, अब माइनस 2 और माइनस 1 का सम करेंगे तो माइनस 3 होगा और 3 माइनस 3 0 हो गया। दैट मीन्स x के प्लेस पे जब हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। देयरफॉर by factor theorem x minus 1 is a factor of p of x, x minus 1 जो है polynomial p of x का factor हो गया। अब जब एक फैक्टर आपका निकल गया
तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फैक्टर से जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन वी हैव, अब एक्स माइनस वन से हमें डिवाइड करना है किसको, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यूब है और जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म एक्स है, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस होगा और प्लस होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रिजल्ट आपका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, x से माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ये आपका हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ फर्स्ट टर्म आपका टू एक्स आया और यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स है, तो माइनस टू एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा हमारा माइनस टू। अब माइनस टू टाइम्स में जो है एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस कैंसिल ए प्लस माइनस कैंसिल, यह आपका रिमाइंडर जो है जीरो आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे आपका डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड का मतलब होता है जिसमें डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड किसको किया गया था, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड किससे किया गया, एक्स माइनस वन। कोशेंट जो रिजल्टेंट राइट साइड में आया दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। रिमाइंडर तो लास्ट में जो बैलेंस बच गया वो आपका रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर जीरो हो गया। अब ये बच गया आपका एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब यहां ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज कर ले या फिर फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करें, या जो मैजिक क्रॉस मेथड प्रीवियस वीडियो में बताए थे फैक्टराइजेशन इसका राइट डाउन करने के लिए, उससे आप कर लें। तो अगर मैजिक क्रॉस मेथड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पॉलिनोमियल्स को आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी और सी का कोफिशियंट राइट डाउन करना होगा।
तो अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए अगर ले तो एक ए का वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। बी एक्स है तो एक्स का कोफिशियंट बी है और यहां पर एक्स का कोफिशियंट माइनस वन होगा। कॉन्स्टेंट टर्म सी है और यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टू होगा। अब हमें क्या करना है कि जो मिडिल टर्म का जो कोफिशियंट है उसको एज यूजुअल छोड़ देना है और फर्स्ट टर्म जो है कोफिशियंट उसका दो पॉसिबल फैक्टर लिखना है। तो वन का फैक्टर वन वन हम लिख सकते हैं और टू का फैक्टर वन और टू लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन इंटू टू इक्वल्स टू टू, वन इंटू वन इक्वल्स टू वन। अब इस दोनों नंबर में से को हमें प्लस और माइनस करके माइनस वन लाना है। तो माइनस वन कब आएगा, जब यहां पे माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा। अब यहां पे प्लस आ गया तो हमारा अब नेक्स्ट फैक्टर जो होगा, अब इस फर्स्ट जो कोफिशियंट का जो हम फैक्टर लिखे हैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कोफिशियंट हमारा फैक्टर हो जाएगा x प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, x प्लस वन और x माइनस टू। अब x प्लस वन और x माइनस टू हमारा फैक्टर आ रहा है तो इसमें से कोई एक फैक्टर, सपोज दैट मान लीजिए कि हम x प्लस वन फैक्टर को ही अगर टेकअप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वन। अब इस स्टेप को हम यहां पर एज यूजुअल छोड़ दे रहे हैं और अगले स्टेप की तरफ आ रहे हैं। अब ये पॉलिनोमियल आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री टू होता है तो इस पॉलिनोमियल का एटलीस्ट टू लीनियर फैक्टर्स होगा और उसमें से एक लीनियर फैक्टर आपका हो गया x प्लस वन। तो यहाँ डिग्री टू है तो इस x प्लस वन को हम टू टाइम्स राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो था वो x स्क्वायर था और यहाँ पे हमने x लिखा है तो यहाँ पर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट टर्म यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ लास्ट टर्म वन है तो वन को हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस टू आ जाएगा। अब एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस टू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस टू से प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस टू। अब यहां पर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन आपका कॉमन आ गया। अब आप इसको यहां से देख लें, यहां माइनस एक्स था तो माइनस एक्स का एक्सप्लिटेशन हो गया एक्स माइनस टू एक्स और दोनों टर्म एज यूजुअल राइट डाउन हुआ है तो x प्लस वन कमन आ गया। तो अब इस x प्लस वन को आप बाहर कर दें तो जब ये x प्लस वन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका x बचेगा और यहाँ पे आपका माइनस टू बचेगा तो यही आपका आंसर हो गया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो नेक्स्ट मेथड है फिर हम लोग उसको सीखेंगे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है उस मेथड में फर्स्ट मेथड की तरह हम x माइनस वन जो है p ऑफ x का फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पे एक रूल्स भी आप याद रख सकते हैं। वो रूल्स क्या है, रूल्स है इफ सम ऑफ
कोफिशियंट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज जीरो देन एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स के कोफिशियंट को सम करने पर अगर रिजल्टेंट जीरो आता है तो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर एक्स माइनस वन होगा। अब यहां पे एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू दिया हुआ था तो फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट आपका क्या होगा, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट आपका हो गया वन, सेकेंड टर्म माइनस टू एक्स स्क्वायर इसका कोफिशियंट हो गया माइनस टू, थर्ड टर्म एक्स इसका कोफिशियंट हो गया माइनस वन और लास्ट टर्म दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इसका कोफिशियंट हो गया टू। अब इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। अब वन और टू मिलकर के आपका हो गया थ्री, माइनस टू और माइनस वन मिलकर के हो गया माइनस थ्री और रिजल्टेंट आपका जीरो आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के सभी टर्म्स का कोफिशियंट सम जो है कोफिशियंट का सम जीरो आ गया, देयरफॉर एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जब x माइनस वन फैक्टर होगा तो x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वेट करने पर x का वैल्यू वन आएगा, दैट मीन्स अगर हम x के प्लेस पे वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये हमारा x माइनस वन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट हो गया। अब यहां लिखेंगे नाउ गिवन एक्सप्रेशन। अब गिवन एक्सप्रेशन में हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम राइट डाउन कर देंगे, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है कितने डिग्री का है। तो ये पॉलिनोमियल जो है थ्री डिग्री का है, यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर थ्री है इसलिए ये थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जो फैक्टर हमारा कैलकुलेट हुआ एक्स माइनस वन, इस फैक्टर को हम थ्री टाइम्स राइट डाउन करेंगे एक स्टेप जंप करने के बाद। एक स्टेप यहां ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वन को हम थ्री टाइम्स राइट डाउन करेंगे। अब राइट डाउन करने के बाद फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यू था और यहां पर एक्स माइनस वन लिखा हुआ है तो इस एक्स को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आ जाएगा, तो इसको हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट टर्म हमारा प्लस टू है तो माइनस वन को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस टू आएगा, तो इसको हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रीवियस स्टेप की तरफ चलेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था और यहां पे आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो यहां पे आपका क्या बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यानी थर्ड टर्म आपका माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो अब इस एक्स में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा थर्ड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे हम माइनस एक्स लिखेंगे। तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू। अब आप देख लीजिए एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया,
प्लस एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एक्स हो गया अब प्लस टू। अब ये एक्स माइनस वन ईच टर्म में कॉमन फैक्टर है, तो इस एक्स माइनस वन को हम बाहर कर देंगे। तो जब x माइनस वन को बाहर कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा माइनस एक्स, और यहां क्या बचेगा माइनस टू। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब फिर फैक्टराइज कर देंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो मैजिक क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे या फिर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसके पहले वाले में मैजिक क्रॉस मेथड से किए थे, तो अब यहां हम इसको जो है स्प्लिट करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो माइनस टू और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे जो नंबर आया टू, इस टू का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो टू अंजा टू हुआ, फैक्टर टू और वन आया। तो इसका जो स्प्लिटेशन होगा उसमें टू और वन होगा, यानी टू एक्स होगा और एक्स होगा। अब इसमें से जो बड़ा पार्ट होगा उसके पहले माइनस का साइन लगाना है, और जो छोटा पार्ट होगा उसके पहले प्लस का साइन लगाना है। अभी आपका स्प्लिट हो गया। अब इसमें से आप दो टर्म का ग्रुपिंग करके फैक्टर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स बचेगा, और टू एक्स में से एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहां माइनस टू बचेगा, और यहां पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो यहां पे वन लिखेंगे, ये आपका x माइनस टू हो जाएगा। अब x माइनस टू दोनों जगह आ गया, अब इस x माइनस टू को बाहर कर देंगे, x माइनस वन, x माइनस टू, और जब x माइनस टू बाहर होगा तो यहां क्या बचेगा x, और यहां क्या बचेगा प्लस वन, x प्लस वन, ये आपका आंसर। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम इसके थर्ड मेथड की तरफ बढ़ेंगे कि थर्ड मेथड इसका क्या होगा। थर्ड मेथड में कांस्टेंट टर्म के फैक्टर तक हम राइट डाउन कर लेंगे, और आपको यहां पे डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा कि हम इसमें से कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये हमारा जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए एक और रूल्स होता है, वो रूल भी आप नोट कर लें। रूल क्या है, इफ सम ऑफ ऑड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म्स, देन एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कहने का अर्थ कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म्स हैं उनमें ऑड पावर वाले टर्म, जैसे आपका यहां पे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो यहां पे एक्स का कोई पावर नहीं है तो पावर वन होगा,
तो ऑड पावर टर्म्स सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर टर्म्स, तो यहां पे x का पावर 3 है, तो 3 ऑड नंबर हुआ, x का पावर 1 है, 1 ऑड नंबर हुआ, तो x क्यूब इसका कोफिशिएंट प्लस 1, माइनस x इसका कोफिशिएंट माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म्स. अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 2, इसका भी रिजल्टेंट 0 आ गया. That means sum of coefficient of odd power terms and sum of coefficient of even power terms दोनों सेम हो गया, तो फैक्टर हमारा क्या होगा, x plus 1 होगा. अब x plus 1 को जब हम 0 के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा. तो यानी हम x के प्लेस पे अगर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो सकता है. इसलिए हम यहां लिखेंगे पुटिंग x equals to minus 1, we get p minus 1 equals to minus 1 cube minus 2 multiply minus 1 square minus minus 1 plus 2. तो minus 1 का cube minus 1 होगा, minus 1 का square 1, 1 into minus 2 minus 2, minus minus plus 1 हो जाएगा plus 2. तो माइनस वन एंड माइनस टू दैट मीन्स माइनस 3, अब 1 प्लस 2 दैट मीन्स प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे p माइनस 1 का वैल्यू 0 आ गया, और फैक्टर थ्योरम में रिजल्ट था इफ p माइनस a इक्वल्स टू 0 देन x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x. तो यहां पर a के प्लेस पे माइनस 1 आया, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p of x. x प्लस 1 जो है आपका p ऑफ x का फैक्टर हो गया. अब नाउ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन आपका था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और आपने यहां फैक्टर कैलकुलेट किया x प्लस 1. अब इस फैक्टर को आप यहां पे डिग्री जो है x का मैक्सिमम 3 है, तो इसको 3 टाइम्स आप राइट डाउन कर दें, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1. अब फर्स्ट टर्म आपको लाना है x क्यूब, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, और लास्ट टर्म लाना है प्लस 2, तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म आपका प्लस 2 आ जाएगा. अब प्रीवियस स्टेप की तरफ आइए, x स्क्वायर इंटू x x क्यूब x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर. अब यहां पे माइनस 2 x स्क्वायर लिखा हुआ था और आपका यहां पे आ गया x स्क्वायर, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर मिल करके आपका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर. तो जब थर्ड टर्म आपका माइनस 3x स्क्वायर आया
तो यहाँ थर्ड टर्म माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस थ्री एक्स से। तो माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस थ्री एक्स से वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस थ्री एक्स। अब टू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, और टू से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस टू। अब इस माइनस थ्री एक्स और टू एक्स का सम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा माइनस एक्स। अब यहां पर एक्स प्लस वन जो है ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। फर्स्ट टर्म में भी एक्स प्लस वन है, सेकेंड टर्म में भी एक्स प्लस वन है, और थर्ड टर्म में भी एक्स प्लस वन है। अब इस एक्स प्लस वन को बाहर कर देंगे, तो बाहर करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म में आपका क्या बच गया, माइनस थ्री एक्स, और थर्ड टर्म में क्या बच गया, प्लस टू। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को फिर फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वन। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो इस मिडिल टर्म को हम टू एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस थ्री एक्स जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब आपका ये हो जाएगा x प्लस वन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x स्क्वायर में से x कॉमन होगा तो x बचेगा, x में से x कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस वन बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो टू, माइनस टू कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, टू एक्स में से माइनस टू निकल गया x बचेगा, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और टू जब कॉमन निकल गया तो यहाँ पे वन हो जाएगा। अब x माइनस वन दोनों प्लेस पे आ गया, तो अब इस x माइनस वन को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वन, x माइनस वन, और जब x माइनस वन कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां से x माइनस वन कॉमन हो गया तो यहां क्या बचेगा, माइनस टू। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसका जो है लास्ट मेथड जो है देखेंगे, जो विदाउट फैक्टर थ्योरम का होगा। अगर आपके इस क्वेश्चन में अगर यूजिंग फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा रहता, डायरेक्टली लिखा रहता कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो विदाउट फैक्टर थ्योरम का यूज किए हुए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां लिखते गिवन एक्सप्रेशन, तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन फैक्टर देखते हैं कि क्या है। तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हम बाहर कर देंगे। तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जब बाहर निकल जाएगा तो एक्स क्यूब मीन्स हुआ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। तो जब एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो आपका बचा क्या, एक्स बचा, एक्स हो गया। सेकेंड टर्म आपका था माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो आपका जो है एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है कॉमन फैक्टर में, तो यहां क्या बच गया, माइनस टू, यहां माइनस टू लिख देंगे। अब एक्स का मतलब हुआ माइनस एक्स मीन्स माइनस वन इंटू एक्स, और टू का मतलब हो गया वन इंटू टू। अब इस दोनों में वन कॉमन है तो यहां पे हम माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक्स, और इसमें से जब माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन बाहर निकल गया तो इसमें क्या बच जाएगा, टू। अब आपका एक्स माइनस टू दोनों प्लेस पे आ गया, फर्स्ट टर्म में भी एक्स माइनस टू कॉमन हो गया, सेकेंड टर्म में भी एक्स माइनस टू कॉमन हो गया, तो इस एक्स माइनस टू को हम बाहर कर देंगे
तो अब यहां फर्स्ट टर्म में आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा माइनस वन। अभी आपका हो गया एक्स माइनस टू और इसको हम अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अरेंज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का होल स्क्वायर और वन मीन्स वन का होल स्क्वायर। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे। ए आपका हो जाएगा एक्स माइनस टू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे वन है तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। यही आपका आंसर था, आपका आंसर निकल गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस लिखे हुए थे जिसमें से 5 का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। वो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट के आधार पर बन सकता था, इसमें एक नया कंसेप्ट अप्लाई होगा इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको अब सॉल्व करना बता रहे हैं। आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पॉलिनोमियल्स है इसको नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा गया, अगर वाई रहता तो वाई लिखते। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पे आपका एक रूल्स अप्लाई होगा। वो रूल्स क्या है, वो रूल्स है इफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स of a given polynomial is positive, यानी जो polynomials दिया हुआ है उस polynomials के सारे terms का coefficient क्या हो positive हो, then the value of पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो बाय टेकिंग निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहां पे आपका कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म होगा 20। अब इस 20 कांस्टेंट टर्म का हम मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड 20 इक्वल्स टू 20 हो गया। अब इस 20 का पॉसिबल फैक्टर, तो 20 का पॉसिबल फैक्टर क्या होगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 और माइनस 20। अब इस रूल से आपका ये क्लियर हो गया कि हम केवल x का नेगेटिव वैल्यू जब लेंगे x के प्लेस पे तभी ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम इसमें से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 किसी भी वैल्यू को नहीं लेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस माइनस 1 माइनस 2 इसको लेकर के चेकअप करेंगे। तो पहले हम माइनस 1 लेते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 वी गेट। तो जब एक्स का वैल्यू हम माइनस 1 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स था
तो x के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन प्लस 20। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, 13 बन जाए 13, 32 इंटू माइनस वन माइनस 32 प्लस 20। माइनस वन और माइनस 32 माइनस 33 हो जाएगा, और प्लस 13 और प्लस 20 प्लस 33 हो जाएगा, तो माइनस 33 एंड प्लस 33 रिजल्टेंट जीरो आ गया। अब एफ माइनस वन का वैल्यू जीरो आ गया, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम में था कि इफ एफ माइनस ए इक्वल्स टू जीरो देन एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस वन जो है आपका फैक्टर आ गया। अब आप इसको प्रीवियस मेथड में से, फर्स्ट थ्री मेथड में से किसी भी मेथड को आप अप्लाई करके बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहां अब उसमें से किसी मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, एक नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं। अगेन टेकिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस टू वी हैव, अब एक्स का वैल्यू हम माइनस टू लेंगे, ये हो जाएगा एफ माइनस टू माइनस टू का होल क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस टू प्लस 20, तो माइनस टू का क्यूब हो जाएगा आपका माइनस 8, माइनस टू का स्क्वायर 4, 13 फोर जा 52, 32 टू जा 64, माइनस 64 हो जाएगा प्लस 20। अब 52 में 20 प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा 72, और माइनस 64 में माइनस 8 प्लस करेंगे ये हो जाएगा माइनस 72, दैट मीन्स रिजल्टेंट जीरो। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, अब यहां पे x का वैल्यू माइनस टू सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया, तो अब फैक्टर आपका हो जाएगा x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। अब यहां इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था 3, तो इसमें 3 फैक्टर्स होगा। हमने फर्स्ट फैक्टर x प्लस वन कैलकुलेट किया, सेकंड फैक्टर x प्लस टू कैलकुलेट किया, इसका अर्थ यह हुआ कि अब इसमें एक और फैक्टर बच गया। अब देखिए इसका लास्ट टर्म जो है 20 है, तो 1 इंटू 2 2 होगा, और 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 आएगा, दैट मीन्स x के प्लेस पे अगर हम माइनस 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो फिर लिखेंगे अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 10 वी हैव, एफ माइनस 10 माइनस 10 क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 10 स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 10 प्लस 20। तो 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब आएगा माइनस 1000, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 इंटू 13
1300, 32 इंटू माइनस 10 माइनस 320 और प्लस 20। अब 1300 जो है इसमें 20 प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1320। और माइनस 1000 में माइनस 320 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1320। अब माइनस करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा जीरो। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस 10 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अब हमारा तीसरा भी फैक्टर कैलकुलेट हो गया। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू, फर्स्ट फैक्टर हमारा था x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर था x प्लस 2 और थर्ड फैक्टर था x प्लस 10। अब इसमें कोई और फैक्टर होगा कि नहीं होगा इसको डिसाइड करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट हम k यूज करेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, वेयर k इज एनी इंटीजर। एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, 3 फैक्टर्स आ गए तो डिग्री तो 3 होगा। अब यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं ये हमको डिसाइड करना है, इसलिए यहां पे हम k अज्यूम कर लेंगे। अब आप इतना राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद आगे क्या होगा कैसे करेंगे फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा रिजल्ट लास्टली आया था एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 10। अब हम यहां पर k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम x जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब यहां पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट करेंगे x का वैल्यू तो भी 0 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी 0 से किसी भी नंबर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट 0 आता है, तो हमारा LHS में क्या बच जाएगा 20 और RH साइड में बच जाएगा k इंटू 0 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 10। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे हमको क्या पुटअप करना था 0। अभी आपका रिजल्ट हो जाएगा 20 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 20 इक्वल्स टू 20k। दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 20 बाय 20 इक्वल्स टू 1। k का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग k इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू k के प्लेस पे जब 1 हो जाएगा तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10। यही आपका फैक्टर था, ये फैक्टर आपका कैलकुलेट हो गया। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है कि कौन सा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके लिए आप एक ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको पहले जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है
पॉलिनोमियल आपका है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये आपका पॉलिनोमियल था। अब इस पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का कोफिशियंट आप राइट डाउन कर दीजिए। फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट 1, सेकेंड टर्म का कोफिशियंट 13, फोर्थ टर्म का कोफिशियंट 32 और कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशियंट 20। अब आपको क्या करना है कि कम से कम एक वैल्यू आपको पता करना है कि किसके लिए पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब प्रोसेस को शुरू किया था तो हमने देखा कि x का वैल्यू 1-1 रखने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता था। तो यहां पे हम -1 लिखेंगे, केवल एक ही जीरो लेना है, यानी p -1 -1³ प्लस 13 × -1² प्लस 32 × -1 प्लस 20। ये आपका हो गया -1 + 13 - 32 + 20 = 33 - 33 = 0। तो -1 रखने पर 0 आ गया था, तो -1 यहां लिख देंगे। अब जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को एज यूजुअल यहां आपको लिख देना है, और एज यूजुअल जब आप लिखेंगे तो इसको डायगोनली जो है मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 - 1 हुआ, तो उस -1 को यहां लिखेंगे और इस दोनों को प्लस करके यहां लिखेंगे, तो 13 + -1 दैट मींस 12। अब इस -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -12। अब इस -12 को यहां लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो 32 + -12 = 20। अब इस -1 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -20। अब इसको 20 और प्लस 20 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इस प्रोसेस में ये लास्ट टर्म आपका हमेशा 0 आएगा। अब यहां पे -1 था तो यहां पे x + 1 आपका फैक्टर आ गया, f ऑफ x का x + 1 फैक्टर हो गया। अब यहां पे जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट आपका आ गया किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यानी आपका अब जो पॉलिनोमियल्स होगा x + 1 से डिवाइड करने के बाद वो होगा x² + 12x + 20। अब इस x² + 12x + 20 में फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशियंट आपका 1 है, लास्ट टर्म जो है उसका कोफिशियंट 20 है। अब इस 1 का दो फैक्टर 1 और 1 होगा, 20 का दो फैक्टर 2 और 10 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 = 2, 1 × 10 = 10, 2 और 10 आया। अब इस 2 और 10 को प्लस करने के बाद हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 12 आना चाहिए, तो 10 और 2 को प्लस करेंगे 12 आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब जो फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है इसको x से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको प्लस करने पर 12 आ रहा है, तो यहां भी प्लस होगा और यहां भी प्लस होगा, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 10। तो पहला फैक्टर हमारा x + 1 था, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 10। तो हम इससे जो है चेक भी कर सकते हैं और क्या वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं। अब आप इसको राइट डाउन कर ले तो फिर हम लोग जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट करेंगे, सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए।
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।